नमस्कार मैं हूं आपके साथ हिमांशु छाबड़ा और आप देख रहे हैं अजय एस तो मनी गुरु देश में कोई महत्वपूर्ण मौसम प्रणाली अभी नहीं है मौसम का कुछ खास अपडेट आपको बता दें भर में मौसमी सिस्टम कैसा बना हुआ इसके बारे में रूबरू कराएंगे 14 दिसंबर तक पश्चिमी हिमालय के पास एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की उम्मीद है पूर्वोत्तर से आने वाली नम हवाएं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में नमी बनाए रखेगी पिछले चौबीस घंटे के दौरान आपको बता दें देश में क्या कुछ मौसमी हलचल रही पूर्वी असम अरुणाचल प्रदेश लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई तमिलनाडु दक्षिण केरल और मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हुई राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट आई है अगले 24 घंटे के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि कुछ इस तरह है कि आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है पूर्वी असम अरुणाचल प्रदेश चटिया आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के कुछ हिस्से और केरल और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में दिन और रात के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आया है इसी के साथ ही मौसम की कुछ खास अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ बने रहिए और आखिर क्या कुछ देश में मौसम का हाल बना हुआ है इसके बारे में हम आपको पल पल अपडेट कराते रहेंगे आपको बता दें कश्मीर से लेकर राजस्थान तक ठंड बढ़ी है दिल्ली में आठ डिग्री पारा है और इसी के साथ ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है वही अधिकतम तापमान चौबीस डिग्री सेल्सियस बना रहने का अनुमान है भारत के विभिन्न राज्यों में मौसम करवट ले रहा है आंध्र प्रदेश तट और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक ट्रफ रेखा बनी हुई है वही पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होने के बाद अब मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है सर्दी के जोर पकड़ने के साथ ही राजस्थान के अनेक इलाकों में न्यूनतम तापमान दस डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है मौसम विभाग के अनुसार चूरू में रात को न्यूनतम तापमान चार डिग्री सीकर में पांच डिग्री नागौर और पिलानी में छह डिग्री अलवर में सात दशमलव तीन डिग्री और बीकानेर में आठ डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया है इसी के साथ ही आपको बता दें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस बना रहने का अनुमान है दिल्ली में अगले तीन से चार दिन में तापमान के गिरे रहने के साथ ही कोहरा छाए रहने का पूरा जो है पूर्वानुमान है इसी के साथ ही अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों की तरफ से आ रही ठंडी हवा ने राजधानी का प्रदूषण काफी कम कर दिया है दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार होने के साथ हवा की गुणवत्ता बहुत खराब से खराब श्रेणी में आ गई है इसी के साथ ही आपको बता दें कहीं ना कहीं जो है बड़ा बदलाव जो है मौसम में देखने को मिला है पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है कश्मीर में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कमी आई है उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान शून्य से छह डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया बीते दिन गुलमर्ग घाटी में सबसे सर्द स्थान रहा पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से पाँच दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया जबकि श्रीनगर में बीती रात न्यूनतम तापमान शून्य से दो दशमलव छः डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में पारा शून्य से तीन दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में शुष्क लेकिन ठंडे मौसम का पूर्वानुमान जताया है इसी के साथ ही आपको बता दें अब दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश की चेतावनी है और आपको बता दें शिमला से लेकर मनाली तक बर्फ की चादर जो है वो बिछ गई है यानी कि वहाँ का जो माहौल है पूरा बर्फ़ में है एक बर्फ़ की चादर वाह बिछी हुई है दिल्ली में ठंड बढ़ सकती है तमिलनाडु बंगाल और केरल लक्षद्वीप जैसे इलाकों में हल्की बारिश से लेकर मध्यम बारिश संभव है राजस्थान की बात करें तो तापमान में लगातार गिरावट है सीकर से ले चूरू में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है तापमान में गिरावट हुई है ठंड लगातार बढ़ रही है लेकिन बारिश की कोई खास संभावना राजस्थान हरियाणा पंजाब दिल्ली एन में नहीं जताई गई इसी के साथ ही हमारे चैनल को देखते रहिए सब्सक्राइब कीजिए और पल पल की अपडेट मौसम की पाइए